गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। अगर समझो सर्टन मास हम सस्पेंड करते किसी स्प्रिंग से, तो उसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। सिंपल पेंडुलम इस प्रकार से वर्टिकल सर्कल के आर्क में घूमता है, लेकिन उसी स्प्रिंग को अगर पकड़ लिए और ऐसा कोन के इसमें मतलब सर्कल में घुमाते हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो जो स्ट्रिंग है वो कोन का सस्पेंशन डिस्क्राइब करता है। बॉब जो होता है उसका जो मास अटैच किया गया है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, और जो सस्पेंशन यानी स्ट्रिंग जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वर्टेक्स का काम करता है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल समझो कोन का जो सरफेस है सर्कुलर सरफेस उसका काम करता है। इसलिए इस पेंडुलम को कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है। कोनिकल पेंडुलम का ये समझो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, इसे अपन रेडियस कहेंगे, इसे हाइट कहा जाता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर तक का डिस्टेंस, और इसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहा जाता है। ये जो सस्पेंशन है स्प्रिंग जो है वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है, ये थीटा है, इसे अल्टरनेट एंगल होने से ये भी थीटा रहेगा। बुक में टेंशन के लिए भी टी और टाइम पीरियड के लिए भी टी बताया है, तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज किया, एफ को मैंने टेंशन कहा इन द स्ट्रेन। तो केवल दो ही फोर्सेस एक्ट होते हैं इस बॉब में, उसका अपना जो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड एम इज मास ऑफ द बॉब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक जो वेट रहेगा उसका एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है जिसको कैपिटल एफ से बताया गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ रहेगा। तो यहाँ जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसका कोई ना कोई पार्ट जो है सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड जो फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम रिकॉल करेंगे तो थीटा के साथ वाला जो पार्ट रहेगा वो ये कॉस थीटा मिला, और उसको परपेंडिकुलर जो रहेगा वो ये साइन थीटा मिलेगा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग के। अगर डायग्राम को आप ऑब्जर्व करते हैं तो एफ कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट एमजी जो कि अपवर्ड दिख रहा है और वेट कैसा है डाउनवर्ड। एफ साइन थीटा अपीयर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर and therefore it acts as the centripetal force, therefore f sin theta is the centripetal force जो m v square by r, ये कैसे तो हमने देखे force is equal to mass into acceleration होता है। अगर centripetal force की बात करें mass into centripetal acceleration, और centripetal acceleration तो हमने निकाला है v square by r, या फिर इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। लास्ट टॉपिक में देखे अपन तो ये होता है एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वेशन टू। अगर हम इक्वेशन टू बाय वन करते हैं तो एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, एफ एफ कैंसिल, टैन थीटा इज इक्वल टू इसको इनटू के फॉर्म में लेकर आए 1 बाय एम जी हो जाएगा, मतलब यहां बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी, बट वी होता है 2 पाई आर बाय टी। लास्ट इसमें देखिए अपन ने उसको अगर वी की जगह पे रख देते हो तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ऑलरेडी आर और जी है, देयरफॉर नाउ टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और आर कैंसिल करें आर बचेगा और नीचे बचेगा तुम्हारे पास जी इंटू टैन थीटा, देयरफॉर टी इक्वल टू अंडर रूट लेते हैं तो 4 पाई का 2 पाई बाकी अंदर रूट में चला जाएगा r डिवाइडेड बाय g इनटू tan थीटा। अब इसको अपन अलग-अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले तो r की वैल्यू को अगर देखते हो, देखो r ये एंगल थीटा है तो अपोजिट अपन sin थीटा हो जाएगा, अपोजिट यानी r अपन हाइपोटेनस तो r इज इक्वल टू l sin थीटा मिलेगा L sin theta, तो T is equal to 2 pi into योग्य L sin theta
डिवाइडेड बाय जी टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, देखो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू टू बाय अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी बचेगा। अगेन एल कॉस थीटा देखो एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू, एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेनस की भी ए इक्वल टू एल कॉस थीटा मिलता है। उसको अगर यहां रख दे तो t इक्वल टू 2 पाई इनटू अंडर रूट में h बाय g, ये भी फार्मूला है टाइम पीरियड ए भी है, इसे भी ले सकते हो इसे भी ले सकते हो, ये डिफरेंट फॉर्म्स है या ध्यान में रखना। दो ही फोर्सेस एक्ट होते हैं बॉब ऑफ पेंडुलम में, वह है टेंशन इन द स्प्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड इट्स वेट mg। उसके बाद तो है रिजॉल्व करना है टेंशन को दो कंपोनेंट्स में। पहला कंपोनेंट आता है एफ कॉस थीटा जो वर्टिकल अपवर्ड अपीयर होता है जो mg को बैलेंस करता है, इससे जो मिलता है एफ कॉस थीटा इक्वल टू mg, और एफ साइन थीटा जो अपीयर होता है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इससे जो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है mg स्क्वायर बाय r बस। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके फिर डायग्राम में जाना है और रिस्पेक्टिव जो r L, H इनकी वैल्यू जी सब्स्टिट्यूट करनी है। ये इक्वेशन आपको tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय r की देते हैं, v की जगह पे 2 पाई r बाय t रखना है, t इज द टाइम ऑफ पीरियड, और ये v स्क्वायर बाय r का इसे एक बार और बता रहा हूं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर ये सेंट्रीपेटल है तो ये भी सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल को हमने देखे v स्क्वायर बाय r या r ओमेगा स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बाय r ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।